हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास कैनन प्रिंटर का ये एरर आ रहा है, प्रिंटर नॉट रेस्पॉन्डिंग, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अदर ट्रबल शूटर, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहां पर फाइंड आउट करना है प्रिंटर, तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, यहां पर ये प्रोसेस हो रहा है, तो आप ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइज, उसके बाद आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेटिंग को क्लोज करना है। विंडोज़ के सर्च बार में आपको टाइप करना है सर्विसेज, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। सर्विसेज ओपन होने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रिंट स्पॉलर। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। फिर आप जो है यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप सर्विसेज को क्लोज कीजिए। उसके बाद अगर आप जो है कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको डिसेबल कीजिए या फिर रिमूव कीजिए। उसके बाद आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया है। फिर आपको यहाँ पर प्रिंट क्यूज इस वाले ऑप्शन को डबल क्लिक करना है, यहाँ पर ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कैनन का प्रिंटर शो हो जाएगा, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। राइट क्लिक कर आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है कैनन प्रिंटर के ड्राइवर को अनइंस्टॉल कीजिए, फिर आप जो है इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, फिर आप जो है कैनन प्रिंटर के ड्राइवर को और एक बार से इंस्टॉल कीजिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।